बिल्कुल सर, क्या आर्गुमेंट किया और कोर्ट ने क्या फैसला सुना दिया है रिजर्व रखा है? हमारा ये कहना था आज कोर्ट के अंदर कि वहाँ पे जो सबसे पहला नेग्लिजेंस है वो उस आदमी का नेग्लिजेंस है जो वहाँ पे बेसमेंट के अंदर पे एक लाइब्रेरी चला रहा था। तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो इस इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का वो लाइब्रेरी चलाना था जो इलीगल था। दूसरा हमारा आर्गुमेंट था कि अगर वाटर लॉगिंग है तो एक सिविक अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वाटर लॉगिंग ना हो। अगर उस रोड के ऊपर कोई गाड़ी चला के जा रहा है जिस बिल्डिंग उस रोड के ऊपर जो बिल्डिंग सिचुएटेड है उसके अंदर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है तो इस आदमी को लायबिलिटी नहीं है। और स्पेशली उस कंडीशन में जब आपने इतने सीरियस ऑफेंसेस लगाए हैं जो डील करते हैं 304 पुराना आईपीसी होता था, अब 105 बीएनएस है जिसमें इंटेंशन और नॉलेज एक मस्ट है अगर इस तरह के हम एक्शन ले रहे हैं, तो उस गाड़ी ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है। ये हमारी समीक्षा थी। आपने सर एक पॉइंट 9 जुलाई वाले भी उठाया, उस दिन भी पानी भरा था, 27 जून से पहले भी एप्लीकेशन शिकायत दी गई थी, वो क्या पॉइंट थे? वो पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ट्विटर में अवेलेबल है कि एक सज्जन ने, कोई रिस्पेक्टेबल सिटीजन ने एक कंप्लेंट करी थी एमसीडी कमिश्नर को 26 जून को, और उसके बाद 16 जुलाई को उसको रिमाइंडर दिया गया और 22 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया। स्पेशली इसी रोड के बारे में, वाटर लॉगिंग के बारे में था और इसी इंस्टीट्यूट के बारे में भी था। अगर उसके बाद भी सिविक अमेनिटीज इंसिडेंट को रोक नहीं पाई है तो एक थर्ड पार्टी जो अनअवेयर है उस रोड से निकलने का कसूर कर रही है उसको आप एक्यूज नहीं बना सकते। मेरा कहना यह था कि कोर्ट इस केस की सुपरिटेंडेंस खुद करे और इनोसेंट आदमी ना पकड़े जाए, राइट कल्प्रिट पकड़े जाए ताकि उन तीन बच्चों की परिवार वालों को, बाकी स्टूडेंट्स को जो बेचारे रोड में जो 20 घंटा पढ़ा करते थे वो आज बेचारे रोड के ऊपर है एक जस्टिस के लिए, उनको कम से कम न्याय मिल सके। सर इसमें अभी तक किसी सरकारी विभाग के किसी अधिकारी की कोई गिरफ्तारी हुई है, किसी से पूछताछ हुई है? कल हमने ये पॉइंट कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट किया था तो हमें ये बताया गया, कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पुट करा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से तो उनका जवाब ये था कि इसमें हमने एमसीडी के कुछ ऑफिसर्स को सम्मन करा है। तो हमने कहा अगर आपने उनको नोटिस करा है तो फिर आदमी को नोटिस देना चाहिए था। आप किसी भी, इसमें 3-4 अथॉरिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली जल बोर्ड है, एमसीडी है, दिल्ली फायर सर्विसेज वाले हैं जो लाइसेंस देते हैं, पर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन या सुपरविजन या रिन्यूअल के में इंस्पेक्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? अगर ऐसी रेगुलरिटी चल रही है तो आप एक चीज को होने के बाद क्यों ऐसा काम करते हैं? ये हमारा सबमिशन। सर आपने कुछ मेडिकल ग्राउंड पे भी कुछ कोर्ट से जो है लीनियंसी की रिक्वेस्ट की थी कि भी देखा जाए उसको, वो क्या है सर? हमारा बेल का ग्राउंड ऑन मेरिट था और साथ में ये था कि उसकी सिचुएशन, ही इज नॉट कीपिंग वेल, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज नॉट ए स्मॉल डिजीज, इट इज ए सीरियस एलिमेंट जो इन्फेक्शन के कारण उसके लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है, तो उसके लिए भी उसको वन ऑफ द ग्राउंड फॉर बेल था हमारा, और हमारा ऑन मेरिट भी था। सर जो पीपी है उनका एक बहुत बड़ा ग्राउंड ये था, सबमिशन ये था कि जो मनोज कटूरिया है वो ऑफ रोड व्हीकल चलाने के शौकीन है और उन्होंने वहाँ उस दिन भी लापरवाही के साथ अपनी गाड़ी को चलाई, और अगर ऐसे ना चलाई होती तो हादसा नहीं होता। ये बिल्कुल इररिलेवेंट क्योंकि मेरे फ्रेंड ने आर्गुमेंट करे हैं, बट मैं इसको बेबुनियाद आर्गुमेंट समझता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू हिम, उनका अपना अपोज करना था तो अपोज करने के लिए कोई ना कोई उनको ग्राउंड चाहिए। ये व्हीकल एक पैसेंजर व्हीकल है, मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट के लाइसेंस द्वारा व्हीकल है, इक्विवेलेंट एक एसयूवी है। अगर एक एसयूवी कोई आदमी चला रहा है, और आजकल की तो मोस्टली गाड़ियां एसयूवी चल रही हैं दिल्ली में, तो एक एसयूवी गाड़ी चलाने से आप कंट्रीब्यूट, एड, एंगेजमेंट कैसे लगा सकते हैं कि उसने ऑफेंस में किसी तरह से फैसिलिटेट किया? इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।